हजारे से यूट्यूबर मिले हैं जो खुद ये देखते हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ कर रही हूँ। ये बहुत मेहनती हैं। नोमैड सूरज। हाँ जी, नोमैड सूरज यानी आवारा सूरज, मतलब घुमंतु सूरज। क्या 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 घुमंतु। सो हे यूट्यूब फैमिली, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, ये जो आप ब्लॉग देखने वाले हो, अभी बहुत ही लाजवाब मैंने ब्लॉग बनाया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही मैंने इसके लिए बहुत ही मेहनत कर दिया था इस ब्लॉग के लिए। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ ये मैंने ब्लॉग कहाँ बनाया था। मैं बनाया ब्लॉग मुंबई के मलाड मालोनी P3 स्टूडियो में, जो कि बहुत ही बड़ा शो चल रहा था। शो का नाम है सारे गामा पा। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बड़ा ये शो है और सारे गामा पा, यहाँ पे सब सिंगर लोग ऑडिशन देने आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनु मलिक सर, हिमेश रेशमिया, बहुत लोग आते हैं। तो दोस्तों, उस टाइम तो हिमेश रेशमिया सर नहीं आए थे, भारती मैम, अनु मलिक और 1-2-3-4 आर्टिस्ट आए हुए थे। तो दोस्तों, मैंने भारती मैम के साथ वीडियो बना ली, इतना मेहनत कर दिया था कि आप पूछो। तो दोस्तों, पहले आप लोग ब्लॉग देखो, इन्जॉय करो और हाँ, फटाफट पहले लाइक कर देना, क्योंकि आपका भाई बहुत ही मेहनत किया है, ठीक है, इस ब्लॉग को बनाने में। और दोस्तों, ये मैं ब्लॉग 2-3 दिन पहले बना के रखा था, मैं सोचा अच्छे से मैं आप लोग को दिखाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों, पहले ब्लॉग देखो। तो भाई साहब, आज का जो ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सीढ़ियों से, क्योंकि हमें जा रहा है नाश्ता करने सारे गामा पा के दूसरे फ्लोर पे। नाश्ता हमारा लगा हुआ है, तो चलते पहले नाश्ता करते हैं हम लोग। हालांकि हम लोग सभी लोग, दोस्त लोग, सभी लोग नाश्ता करके आ गए और यहाँ पे हम धूप में बैठे हुए एकदम सुबह। भाई 3-4 दिन से बारिश हो रही थी, तो इसीलिए अभी धूप बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, ये सब जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये शो के अंदर सब भीड़ होने वाले हैं, क्योंकि सभी गेस्ट आए हुए हैं। तो शो के अंदर सब जाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं। और दोस्तों, चलो अभी बहुत बाहर का नज़ारा दिखा लिया हम लोग, भारती मैम का वेट करते करते। भारती मैम अभी आई नहीं है, तो चलो मैं आपको अंदर का पहले नज़ारा दिखाता हूँ, कैसे शो को स्टार्ट करते हैं, पूजा पाठ क्या करते हैं, और उसके अगल बगल का नज़ारा दिखाते हैं शो के, उसके पीछे का नज़ारा दिखाते हैं। मतलब आप लोग अगर सारे गामा या कोई भी शो देखते हो, उसके पीछे का नहीं देख पाते हो, तो मैं आपको वो दिखाऊँगा। और दोस्तों, तब से भारती मैम वगैरह सब आ जाएंगे, फिर आप लोग देखना। हालाँकि मैंने शो के अंदर एंट्री कर लिया हूँ और इसके आजू बाजू टीवियाँ भी लगी हैं। तो दोस्तों, अभी थोड़ा आप देखिए, फिर उसके बाद पूजा होगा, फिर उसके बाद शो स्टार्ट होगा। और इसके पीछे बहुत सारी टीवियां भी लगी होती हैं। अच्छे से कर चुके हैं एकदम, और बाहर शायद भारती मैम आई हैं और शो स्टार्ट होने वाला है। तो चलो पहले भारती मैम को दिखाता हूँ पहले, फिर शो स्टार्ट होगा। और शो में ऑडिशन, ये जो सारे गामा पा है ना, इसमें ऑडिशन होता है। बच्चे जो सिंगर होते हैं या और बड़े बड़े होते हैं जो आते गाते हैं, तो ऑडिशन उन लोग का होता है। तो चलो आपको मैं दिखाता हूं। तो फाइनली दोस्तों, ग्रीन कलर वाले जो ड्रेस में है वो भारती मैम है। आप लोग देखो पहले अच्छी तरह से भारती मैम को। मैं तो सामने से देख के मुझे ब्लीव नहीं हो रहा कि भारती मैम है मेरे सामने। और देखो राइट साइड में अनु मलिक सर यहाँ पे जा रहे हैं। और ये भारती सिंह की शूटिंग वाली बस है, ये देखिएगा, इसमें नाम भी लगा है भारती मैम का। और दोस्तों, ये एक शो चलाने में कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने सारे लोग आए होंगे, आप लोग सोच सकते हो। यहाँ पे देखो, इतनी सारी कार पार्किंग लगी हुई है और यहाँ पे
ये लेफ्ट साइड का है और इधर का राइट साइड में देखो इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इतने सारे देख रहे हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात इस स्टूडियो में क्या है, यहाँ पे कैंटीन भी है, खाना मतलब टाइम टाइम मिलता है ना, जैसे नाश्ता भी टाइम से मिलता है, 7 बजे 7-8 बजे नाश्ता मिलता है, खाना 1 बजे मिलता है, फिर शाम को 6 बजे नाश्ता मिलता है, खाना 10 बजे मिलता है। तो यहाँ पे बीच बीच में जिसको भी भूख लगती है तो यहाँ पे देखो कैंटीन है, अपना पैसा दे के खा ले, वड़ा पाव अंडा वगैरह है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो जिसको भी जो ज़रूरत पड़ती है अपना खा लेता है, ठीक है, नाश्ता वगैरह कर लेता है, है ना। ये देखो दोस्तों यहाँ पे मेरे में आर्टिस्ट जो बैठे हैं, श्रियांश पुरनेक, प्रशांत इंगोल और इधर अंकुश भारद्वाज। तो दोस्तों ये मेन गेट है शो का, इसके अंदर ही शो होता है, ठीक है। और ये इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे रिहर्सल होता है ये वाइट वाले कैंप में। चलो भारती में अब जा रही है शो में, शो के अंदर भी रूम रहता है ना, उसके अंदर भी जाएंगी, तो जब इनका टाइम आ जाएगा तो तुरंत शो के अंदर एंट्री मार देते हैं जो कॉमेडी वगैरह करने लगते हैं, तो ऐसे शो होता है। और खाने का भी टाइम हो गया, 1 बज गया, तो मैं सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते जा रहा हूँ डबल यानी सेकेंड फ्लोर पे, क्योंकि खाना हम लोग का है तो हम लोग खाना खाएंगे अच्छे से। पहले दोस्तों हमें यहाँ पे मिला है रोटी, चावल, चिकन, सब्जी और नल्ली और सलाद और स्वीट। और यहाँ का देखो दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखो, क्या अच्छा नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। हालांकि दोस्तों खाना तो हो गया एकदम मस्त, एकदम अच्छा हुआ खाना, चिकन था, रोटी था, सब्जी थी गोभी का, है ना, गोभी का बहुत कम मिलता है शूटिंग में, लेकिन भाई बहुत ही अच्छा था गोभी का सब्जी, और स्वीट था, है ना, चावल था, तो बहुत सारे आइटम थे तो मैंने खाया, हमारे दोस्तों खाए। और देखते हैं अगर मैम के साथ अगर फ़ोटो मिल जाएगा तो अच्छी बात है, है ना, वीडियो बन जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ये पैकअप के बाद, ठीक है, पैकअप होने के बाद। नहीं और दोस्तों जो आपको अंदर मैंने दिखाया ना, क्या गजब, मतलब सामने से जो देखने में अलग मज़ा रहता है और जो टीवी में देखते हैं उसका मज़ा बहुत ही अलग रहता है। जो भी लड़का वहाँ पे गाना गा रहा था ना उसको गोल्ड मिला दोस्तों, एकदम गोल्ड। अभी देखो मैं भारती मैम से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारती मैम से मिल जाऊँ, थोड़ा फ़ोटो वगैरह वीडियो वीडियो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं कोशिश करता हूँ। और दोस्तों शाम भी होने वाली, अभी नाश्ते का समय होगा और कब मिलता है कब नहीं देखते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। और हमें तो आपको अंदर का भी नज़ारा दिखा दिया। और भाई साहब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये देखो एम्बुलेंस है, यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी सेवा या कभी किसी कुछ हो गया तो तुरंत एम्बुलेंस यहाँ पे हाजिर रहती है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो यार दोस्तों यहाँ पे देखो पार्टी चल रही है हम लोग की, कितना बज गया भाई, इधर 7:30 होने वाला है और इधर का पैकअप का भी कोई ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि पैकअप जैसे ही हो हम लोग पिक ले, लेकिन पैकअप नहीं हो रहा है, तो इधर रिंकू भाई इधर लाए बिरयानी। किस चीज़ का बिरयानी भैया? ये है बकरे का भाई, बकरे का बिरयानी। नेक्स्ट डे, हालांकि दोस्तों ये है नेक्स्ट डे। और दोस्तों कल मैंने बात किया था भारती मैम से, ठीक है, कि मैम मैं आपके साथ ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कल आऊँगी। तो दोस्तों आज भी यहीं पे शूट था, मैंने बात किया तो बहुत अच्छी तरीके से और मैम ने भी बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, बहुत प्यार से बात की। तो दोस्तों आज मैं डायरेक्ट ब्लॉग दिखाऊँगा उनके साथ, ठीक है, वेट करना ब्लॉग दिखाना। मैं अभी फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, नाश्ता वगैरह कर चुका हूँ, अब डायरेक्ट उनके साथ ब्लॉग आएगा, देखना। फाइनली जिस चीज़ का आपका वेट कर रहे थे, फाइनली मैम से मैं मिल चुका हूँ, तो मैम कुछ बोल लीजिए हमारे ऑडियंस को। आपकी ऑडियंस को मैं यही कहूँगी कि इनकी ऑडियंस जो भी है बहुत अच्छे, बहुत मेहनती है, और इनका बस यूट्यूब चैनल आगे बढ़ाइए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और शेयर भी कीजिए। आपका मैं ब्लॉग बहुत देखता हूँ। हैं, लाइक करते हो? लाइक तो करता हूँ, सब्सक्राइब करके रखा हूँ। सच्ची? हाँ, तो बहुत धन्यवाद, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। मैं भी आपका चैनल अभी सब्सक्राइब करती हूँ। मैं अभी मैम एक्चुअली मैं गाँव से हूँ और अभी मैं इस लाइन में आया हूँ ब्लॉगिंग, थोड़ा अपना कंटेंट लाने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए मैं इस लाइन में आया हूँ। देखिए भाई, ये हमें प्यारे से यूट्यूबर मिले हैं जो खुद, ये देखिए, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मैं भी इनके साथ कर रही हूँ, ये बहुत मेहनती हैं, इधर काम भी करते हैं, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगता है जब यंगस्टर अपने काम के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़
इनके चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक नहीं किया, और शेयर भी कर दीजिए। नोमैड सूरज। हाँ जी, नोमैड सूरज यानी आवारा सूरज, मतलब घुमंतु सूरज। क्या 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 क्या? घुमंतु सूरज मतलब नोमैड का मतलब बहुत ही नाम होता है। ओ, नोमैड सूरज को आप फटाफट फॉलो कीजिए। घुमंतु क्या? घुमंतु सूरज। घुमंतु सूरज, और ये घुमंतु सूरज नहीं है बेचारा, बहुत अच्छा है। हाँ, है ना, आजकल सूरज चढ़ भी नहीं रहा क्योंकि बारिश हो रही है ना, मालूम की वजह से। मैं सौरभ जोशी के पास उनके घर गया तो उत्तराखंड। हमारे तो नहीं आओगे क्या? आओगे नहीं, बताओगे तो आ जाएंगे। अच्छा, कभी चांस दीजिएगा, बड़े हो जाएंगे तो जरूर आएंगे। मतलब चैनल बड़े भाई, मुझे मचे दाढ़ी। अरे अभी ऐसे नहीं, इच्छा नहीं होती, दिल बड़ा होना चाहिए। बस आप दिल से प्यार करते हो तो कभी भी टाइम मिले राजू दादा के साथ आप मेरे घर आ सकते हो। राजू दादा जी वाला अपना ही बंदा है, उसको लेके आना घर। ठीक है, तो गाइस बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोग अच्छा काम करते हैं। बस इसके चैनल को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोमैड सूरज को, है ना। और मेरा भी बोलो ना, हेलो एल, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो मैम का, LOL। ठीक है मैम को सब्सक्राइब करो, और इनके छोटे बच्चे को जरूर सपोर्ट करो, और उनका पासवर्ड ही बन गया, फटाफट विदेश भेज दो। विदेश चला भी गया वो? गया। हाँ, अभी ब्लॉग नहीं है। है आ भी गया दादा, इसने देखा नहीं ब्लॉग। अरे अभी अभी अभी, अभी देखो, अभी देखो जल्दी ब्लॉग। अच्छा मैं देखता हूँ। सो हाउ स्वीट यार, थैंक यू सो मच नोमैड सूरज। तो भाई साहब, आप लोग ने देखा, ये आपका भाई छोटे से गांव से होकर इतने बड़े एक्टर के साथ में ब्लॉग बनाया, जो कि भारतीय में, इंडिया में ही नहीं कई सारे कंट्रीज़ में भी प्रसिद्ध है। कॉमेडी के चर्चे को लेके उनके लाखों फैंस है कंट्री अदर कंट्रीज़ में भी, और इंडिया में तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है भारती सिंह को। ठीक है, और ये आप लोग ने देखा भी होगा इनका कॉमेडी शो फेसबुक पेज, यूट्यूब पे, द कपिल शर्मा शो में भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बड़े बड़े अवार्ड शो में देखा होगा, अच्छे अच्छे एक्टर के सामने मैम शो करते हैं, सब हंसते हैं, रोता हुआ भी लड़का हंसने लगता है इनकी कॉमेडी शो देख के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका अभी भाई इससे भी अच्छा अच्छा भी ब्लॉग डालेगा, आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक कमेंट फॉलो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।